आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। नमस्ते संजीव जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। आयुर्वेदा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, संजीव शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप वाइस चांसलर हैं और डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के। बहुत ख्याति है इस इंस्टीट्यूट की, बहुत नाम है। संजीव जी खुद भी बहुत जानकार हैं आयुर्वेदा के, तो आज हमने सोचा कि आपको इस कॉन्क्लेव में शामिल करना ही करना है, क्योंकि आपके बिना ये कॉन्क्लेव अधूरा रह जाएगा जब हम भारत में आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं संजीव जी, जो लोग जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई, तो पहले जरा उन लोगों को बताएं कि आयुर्वेदा दिवस मनाया क्यों जाता है। जी, जैसे आपको सभी को विदित है कि आयुर्वेद एक जो हमारा भारत देश है उसकी प्राचीन एक ज्ञान की परंपरा है जी। एक वैज्ञानिक ज्ञान है जो हमारे पास धरोहर है, वो यहाँ भारत देश की है। और ये कई हजारों सालों से हमारे जनता की स्वास्थ्य की देखरेख इस आयुर्वेद के माध्यम से होती रही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसा काल आया जब विदेशी लोगों का शासन हमारे भारत में रहा। उस समय आयुर्वेद की एक तरह से जो है उसको सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, और उसके कारण आयुर्वेद कहीं ना कहीं पीछे होता गया और दूसरी चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो आगे आती गईं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब भारत देश आजाद हुआ तो आयुर्वेद को एक सरकारी मान्यता मिली और धीरे धीरे आयुर्वेद जो है वो अपने उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा। और उस उन्नति को और आयाम देने के लिए और उसको पंख देने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय की ये सोच थी, और वर्तमान जो हमारी सरकार है भारत सरकार, उनकी ये सोच थी कि क्यों ना आयुर्वेद को एक आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद की ख्याति पहुंचे, आयुर्वेद का लोगों को ज्ञान हो कि आयुर्वेद है क्या, किस लिए है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज की जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको आयुर्वेद के बारे में बहुत कम ज्ञान जब स्कूलिंग स्टेज में रहता है, और उस कारण से बहुत सारे लोग आयुर्वेद की जो सिद्धांत है उनको पालन भी नहीं कर पाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आयुर्वेद दिवस मनाने का एक जो है संकल्प लिया गया, और पहला आयुर्वेद दिवस जो है वो 2016 में मनाया गया, और उसी क्रम में इस बार का छठा आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं। और जनता में ये संदेश देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, और जनता आयुर्वेद के सिद्धांतों को, अपने प्राचीन सिद्धांतों को और अपने प्राचीन जो ज्ञान की परंपरा है उसको जाने, उसका पालन करें, ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को और समाज को और अपने देश को और समग्र रूप से विश्व को हम पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें। दैट इज द नीड ऑफ द डे, बिकॉज टुडे वी फाइंड दैट द हेल्थ ऑफ एवरी पर्सन इज डिस्टर्ब्ड इन वन और अदर वे। तो उसी को ठीक करने के लिए जो है हमें ये आवश्यक है कि हमें प्राचीन जो सिद्धांत हैं उनका पालन करना पड़ेगा जी। मतलब मुझे तो ये लगता है संजीव जी कि पहली बात तो ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने बहुत देर से इस परंपरा को शुरू किया है, ये बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। 3000 साल पुराना इतिहास है आयुर्वेद का, भारत से ओरिजिन हुआ है, तो चलिए कोई नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वो वाली चीज़ है कि जहां से शुरू करेंगे वहीं से अच्छे से आगे बढ़ेंगे, उरूज तक पहुंचेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं जानना चाहता हूं इस बार राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदा डे कहां मनाया जा रहा है सर? हाँ, इस बार राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है आयुर्वेद दिवस का, वो हमारे ही संस्थान में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर, जिसका मुझे सौभाग्य मिला है एक निदेशक के रूप में और वाइस चांसलर के रूप में काम करने का, यहीं पर इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये हमारा जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने ये जिम्मेवारी हमारे संस्थान को दी है कि हम इस दिवस का आयोजन करें, तो जयपुर के अंदर इसका हम आयोजन कर रहे हैं। संजीव जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि जहन में कई बार ख्याल आता है कि आयुर्वेद की जड़ें भारत से है, यहाँ जिस किस्म की शिक्षा पद्धति हो सकती है, जिस किस्म से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, देश विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, तो जो आपका इंस्टीट्यूट है, जिस वक्त आप जिसका पद प्रभार संभाले हुए हैं,
मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को देश में पता है। मैं चूंकि आयुर्वेद में थोड़ी बहुत रुचि रखता हूँ, इसलिए मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के बारे में मालूम है, पर कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कोर्सेज के बारे में नहीं मालूम है, यहाँ क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में नहीं मालूम है। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि देश को ये पता चले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर क्या है, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर और किस किस्म का विश्वविद्यालय है ये। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जो कि अब एक मानद विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुका है। पिछले साल ही आयुर्वेद दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है दिया था और देश को लोकार्पण किया था। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का संस्थान है, एक तरह से एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर जो इस संस्थान का जो मैंडेट हमारे पास है, वो तीन मैंडेट हमारे पास हैं। एक तो है शिक्षा का, आयुर्वेद की शिक्षा छात्रों को देना, दूसरा है आयुर्वेद की चिकित्सा रोगियों को देना, और तीसरा है आयुर्वेद का आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान यानी रिसर्च एक्टिविटीज। तो तीन मुख्य हमारे मैंडेट है। इसमें जहां तक शिक्षा की बात है तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान देश में एक ऐसा संस्थान है जहाँ सबसे अधिक छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश लेते हैं और सबसे अधिक कोर्सेज यहाँ पर हैं। यहाँ पर यूजी कोर्सेज यानी बीएमएस के रूप में अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, इसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट हमारे 14 डिपार्टमेंट है यानी 14 डिपार्टमेंट्स आर देयर। उन 14 के 14 डिपार्टमेंट्स में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ के साथ 14 के 14 डिपार्टमेंट्स में हमारे पास पीएचडी यानी पोस्ट डॉक्टरल डिग्री भी यहाँ पर हम देते हैं। ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ पैरा मेडिकल कोर्सेज हैं हमारे पास, जो एक नर्सिंग का कोर्स है 3 साल का, डीएनपी जिसको हम बोलते हैं, और 3 साल का कोर्स है वो यहाँ पर देते हैं। पंचकर्मा टेक्नीशियन का कोर्स यहाँ पर है और साथ के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एमएससी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, एक ऐसी डिग्री यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी। और 6 नए डिपार्टमेंट हम खोलने जा रहे हैं और ये 6 नए डिपार्टमेंट जो है इंटरडिसिप्लिनरी टाइप के डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये तो शिक्षा का हमारा है। इसके अतिरिक्त हम कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और एड ऑन कोर्सेज अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने जो फील्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट होकर के निकले हैं, और या आम जनता के लिए कई तरह के कोर्सेज हम करते हैं। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आम जनता के लिए भी हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं और आम जनता उनको उनकी ट्रेनिंग लेकर के अपना जो बहुत सारा जो ज्ञान है अर्जन कर सकते हैं, उसका अपने लाइफ में अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। जहां तक बात है चिकित्सा की, तो चिकित्सा के लिए यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल 280 बिस्तरों का चिकित्सालय हमारे कैंपस में है। इसके अतिरिक्त 3 चिकित्सालय और हम जयपुर के अंदर चलाते हैं और एक पंचकुला में इतना ही बड़ा एनआईए जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का एक्सटेंशन सेंटर हम पंचकुला हरियाणा में खोल रहे हैं, जिसका काम जोरों शोरों पर चल रहा है। तो ये चिकित्सा में, और चिकित्सा में हमारे पास आउटडोर फैसिलिटीज, इनडोर फैसिलिटीज, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, बाकी रेडियो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, यानी हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और इसमें मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चिकित्सालय है, जो कैंपस हॉस्पिटल हमारा है, जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि 280 बिस्तरों का चिकित्सालय है, वो चिकित्सालय हमारा NABH एक्रेडिटेड है, यानी जो राष्ट्रीय मानक है हमारा उससे ये एक्रेडिटेड है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो आयुर्वेद का है और जो NABH से मान्यता प्राप्त है। और रोगियों के लिए हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आयुर्वेदा वो है, और आगे जो जो कमियां हैं उनको हम दूर करते जा रहे हैं, चाहे वो जनरल वार्ड्स हों, चाहे वो स्पेशल वार्ड्स हों, डिलेक्स वार्ड्स हों, या और भी आगे और सुविधाएं हम बहुत सारी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो रिसर्च एक्टिविटीज है, हमारा तीसरा मैंडेट, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च के ऊपर तीसरा मैंडेट हमारा है, और ये जो रिसर्च एक्टिविटीज है वो हम एक्टिवली यहाँ कई तरीकों से चलाते हैं, जिसमें जो पीजी रिसर्च एक्टिविटीज हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट की रिसर्च एक्टिविटीज हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज हैं, इस तरह से कई तरह की एक्टिविटीज हम चलाते हैं। और कोरोना पीरियड में, जब कोरोना का भयंकर दौर चल रहा था और अभी भी एक तरह से चल रहा है, जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, उस दौरान भी हमने बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज कोविड के ऊपर
यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च स्टडीज जो हैं हमने हजारों रोगियों पर की हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट उसमें किए और उसमें हमें सफलता भी मिली है। तो ये इस तरह की एक संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा, इन नटशेल ये हमारी जो यहाँ की एक्टिविटीज हैं वो हमारी हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो NAC एक्रेडिटेड भी है, NAC जो हॉस्पिटल तो NABH एक्रेडिटेड है और NAC की एक्रेडिटेशन हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, और हमारी जो लैब्स हैं वो NABL एक्रेडिटेड हैं, और हमारा जो हॉस्पिटल का किचन है वो FSSAI सर्टिफाइड है। हम रोगियों के लिए अपने इंस्टीट्यूट में ही स्वनिर्मित दवाइयां बनाते हैं, आयुर्वेदिक औषधियां बनाते हैं, हमारे पास इन हाउस फार्मेसी है और वो फार्मेसी भी GMP सर्टिफाइड फुल फ्लेश एक फार्मेसी है और अपनी हॉस्पिटल की नीड जो है वहीं से पूरी करते हैं। हमारा जो पंचकर्म का सेंटर है यहाँ पर जयपुर के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ देश का लगभग सबसे बड़ा पंचकर्म का सेंटर है और यहाँ पर 400 से 600 प्रोसीजर पंचकर्म के रोज होते हैं, डेली इतने प्रोसीजर पंचकर्म के यहाँ पर होते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा संस्थान है और यहाँ पर अगर रोगियों की संख्या हमारे से पूछी जाए तो प्रतिदिन यहाँ से 1000 से 1500 की OPD हमारी डेली रहती है और इंडोर में भी लगभग 200 के लगभग पेशेंट जो हैं वो रहते हैं। तो सर मैं, चूंकि आप ये बात कह रहे थे इस वक्त पंचक्रम की बात कह रहे थे, बीच में अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि चलिए वापस से प्रकृति की तरफ चलते हैं, आयुर्वेद अपनाने की तरफ चलते हैं। तो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से यहीं दिल्ली में मुलाकात हुई मेरी उनसे, और उसके बाद वो आयुर्वेद में वर्णित 3 दोषों के बारे में बता रहे थे, कफ पित्त वात। तो मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया कि अच्छा ये 3 दोष सब में होते हैं, अब मुझे जानकारी इस बारे में थी नहीं। अब वो तमाम चीज़ें जब सामने आई तो मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई ये जितनी एलोबरेटिव तरीके से मुझे हर एक चीज़ बता रहे हैं, हर चीज़ आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है, आज से पहले जब मैं ये बात कभी सोचता था तो एलोपैथी इज वेरी फैसिनेटिंग। वो ऐसा देख के लगता है कि भाई डॉक्टर्स जो हैं हाई डॉक्टर्स जो हैं वो तमाम तरह की मशीनों के साथ हैं, उनके पास हाई एंड टेक्नीशियंस मौजूद हैं, हाई एंड टेक्निक्स हैं उनके पास, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आयुर्वेद को हम देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं घरेलू नुस्खा है, नानी दादी का नुस्खा है, ये काढ़ा बना के पी लो, वो चूरन खा लो। लेकिन आयुर्वेद इसके अलावा बहुत कुछ है जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में, उसे कैसे बदला जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि आम जनमानस भी मेरी तरह सोचता है क्या? जी, ये बात आपकी सही है कि आयुर्वेद को जिस परिप्रेक्ष्य में जनता को समझना चाहिए या पता होना चाहिए उस जनता को अभी अवेयरनेस आयुर्वेद के बारे में नहीं है, ये दुर्भाग्य भी है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से आयुर्वेद दिवस के माध्यम से और कई तरीकों से जनता तक, और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में आयुर्वेद का और आयुष पद्धतियों का एक बड़ा संदेश अपने मुखारविंद से जनता को और विश्व को दिया, तो उसमें हमने देखा कि वो संदेश का एक व्यापक असर जो है वो पूरी जनता में देखने को मिला, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, एजुकेटेड सोसाइटी हो या इलिटरेट सोसाइटी हो, या किसी भी तरह के एम्प्लॉइज हो या बिजनेसमैन हो, हर तरह के व्यक्ति को आयुर्वेद आयुष पद्धति ने छुआ है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद के बारे में अब लोग बात करने लगे हैं, बात जानने लगे हैं। जैसे आपने बात करी बात, पित्त और कफ, इनको हम 3 दोष कहते हैं, त्रिदोष के नाम से इनको जानते हैं। और इसकी ब्यूटी ये है कि हमारे शरीर की पूरी फिजियोलॉजी को, यानी पूरी जितनी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को है, 3 कंपार्टमेंट्स में हमारे पुराने जो आचार्य थे यानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवाइड कर दिया बात, पित्त और कफ। तो आप नॉर्मल बॉडी को भी इस बेस पे समझ सकते हैं, और जब डिजीज्ड बॉडी हो जाती है, शरीर में कोई रोग अगर हो जाता है, तो उस समय भी इन 3 दोषों को स्टडी करके आगे डायग्नोसिस बनता है और उसी के आधार पर चिकित्सा होती है। और आयुर्वेद की एक और विशेषता क्या रहती है कि आयुर्वेद एक व्यक्ति को एक समग्र रूप में होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं, यानी अगर हमें, मेरा मान लीजिए मेरे कोई पेट में खराबी हो गई, तो सिर्फ पेट को ठीक नहीं करना है, पूरे के पूरे शरीर को, सिर्फ पेट को नहीं देखना है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को सिर्फ नहीं देखना है, हम पूरे व्यक्ति को उस वक्त देखते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसके कौन से दोष प्रकोपित हैं, और उसके अनुसार हम उस व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं। और दो व्यक्तियों में अगर एक जैसी व्याधि होती है तो दोनों की चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग हो सकती है।
तो मेरा ये आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की अगर आवश्यकता आपको पड़ती है, ठीक है, घरेलू नुस्खे हम दादी नानी के नुस्खे वो तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई बीमारी के लिए आपको कंसल्टेशन चाहिए या चिकित्सा चाहिए तो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर के प्रॉपर कंसल्ट करके ही चिकित्सा जो है वो करवानी चाहिए, क्योंकि सब औषधियां सबके लिए बराबर गुणवत्ता युक्त नहीं हो सकती है, सबका चिकित्सा एक जैसी औषधियों से नहीं हो सकती। सर, इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, चूंकि आपका हॉस्पिटल इतना बड़ा है, जैसे अभी मैंने नुस्खों वाली बात की तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि जुकाम का वक्त, अगर जुकाम हो रहा है तो आप ये कर लीजिए, सर्दी का समय चल रहा है तो आप ये काढ़ा पी लीजिए, ये तमाम चीजें जो हैं जो हम कहते हैं कि घरेलू रूप से आप बना सकते हैं, अपने किचन में आप तैयार कर सकते हैं। कई लोगों ने तो ये दावा कर दिया कि आप अपने घर में च्यवनप्राश बना सकते हैं, जिसका प्रोसीजर इतना बड़ा है। तो ये तमाम चीजें जो हमारे किचन तक आकर सीमित करने की कोशिश है, मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है कि जब आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो वो पेशेंट किस किस्म के हैं, किस किस्म का इलाज करते हैं, और उसके साथ साथ आपके हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें उन्हें मुहैया होती हैं? देखिए, ये बात सही है कि हमारा जो किचन है, हमारा जो रसोई है, कि हमारी सबसे बड़ी फार्मेसी है जी। और छोटी मोटी जो समस्याएं हमारी हैं, चाहे पेट की समस्या है, सर्दी जुकाम की समस्या है, और कई तरह की समस्याएं हैं, वो हमारे किचन से ही हमें उसका इलाज मिल जाता है, तो वो बात सही है। लेकिन वो उसके उसका एक स्तर है कि कहाँ तक आपको किचन, अपना जो किचन है उसको फार्मेसी के रूप में आपने खुद यूज करना है, खुद प्रयोग करना है। लेकिन जब एक एक बीमारी इस्टेब्लिश हो जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, रोगी हो गया है, तो उसको डेफिनेटली आयुर्वेद चिकित्सा की, आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श लेना चाहिए, और उस परामर्श के अनुसार ही फिर आगे चिकित्सा जो है यूज करनी, प्रयोग करनी चाहिए। जहां तक हमारे हॉस्पिटल के रोगियों का प्रश्न है कि किस तरह के रोगी हमारे पास आते हैं, तो मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर तरह के रोगी जो है यहाँ पर आते हैं, चाहे वो इंटरनल मेडिसिन यानी काय चिकित्सा से संबंधित हों, चाहे वो ENT की प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हों, गायनी की प्रॉब्लम्स हों, या स्किन की प्रॉब्लम्स हों, यानी हर तरह, यानी आप ये देखिए कि हमारे पास 24 स्पेशलिटीज ओपीडी अभी चलती हैं, और 6-7 ओपीडीज हम और बढ़ाने जा रहे हैं, लगभग 30 स्पेशलिटीज की ओपीडीज हमारे पास चलती हैं, और उन सबके रोगी जो हैं हमारे पास आते हैं, चाहे वो फिर वो डी एडिक्शन हो, या फिर वो हमारे कैंसर के ऊपर कंसल्टेशन हो, तो ये इस तरह की जो स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी हम यहाँ पर चलाते हैं, तो हर तरह के रोगी में हमारा इंटरवेंशन हो सकता है। बस ये है कि किस रोग की अवस्था क्या है और हम किस तरह से आयुर्वेद उसकी हेल्प कर सकता है। कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर एब्सोल्युटली आयुर्वेद हेल्प नहीं कर सकता है, वहां पर हम दूसरे तरीके से उनका उपचार करते हैं या दूसरा परामर्श उनको देते हैं। बहुत बढ़िया सर, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, आज आयुर्वेदा डे है, आपके इंस्टीट्यूट में नेशनल लेवल का कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपका और समय नहीं लेना चाहूँगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर में आपसे, जो लोग भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का जो संदेश है, मूलतः वही संदेश मैं आम जनता को, सभी आपके व्यूअर्स और श्रोताओं को मैं देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद हमारा एक वैज्ञानिक पद्धति है, हमारे देश की एक एंशिएंट नॉलेज विजडम ट्रेजर है, और इसके सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में, हमें इसको लाना पड़ेगा। ये सिर्फ आयुर्वेद वालों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को हम अपनाएं, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने स्वास्थ्य का वर्धन कर सकें, यानी प्रमोट कर सकें अपने स्वास्थ्य को, और अगर कभी हम डिजीज्ड होते हैं तो आयुर्वेद को अपनाएं, उसकी चिकित्सा जो है आयुर्वेद की चिकित्सा कराएं, उससे अगर ठीक नहीं होते हैं तो फिर हम दूसरी चिकित्सा पद्धति जो है, या सर्जिकल प्रॉब्लम है, इमरजेंसी, उसमें हमें दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन मूलतः अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, और आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान, एक चिकित्सा विज्ञान दोनों है, इसको हम अपनाएं, और अपने देश का ज्ञान है इसलिए इसको, इसका वर्धन भी करें हम, और पूरे विश्व को हम आयुर्वेद अपनाएं, ऐसी हमारी कामना है। क्या बात है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। वापस से आपको राष्ट्रीय आयुर्वेदा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद।